आपकी खाली ट्रॉली में एक कप जा रहा है, रखो अपनी शॉपिंग तो करो ना, आपने शॉपिंग करनी भी है कि नहीं? पहले आप अपनी तो कर लो, फिर मैं अपनी। मैंने नहीं करनी, आपने ही करनी है, मेरे पे ना इल्जाम लगाओ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर डे ऑफ अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में होने कुछ ऐसा जा रहा है कि आज का पूरा दिन मैंने अपनी मामा के साथ स्पेंड करना है, ठीक है। और मैंने आज के दिन इसलिए चूज़ किया क्योंकि आज उन्होंने कुछ हंडिया शंडिया कुछ नहीं बनानी, सारे बाहर के काम हैं, तो मुझे ना कोई घर के काम नहीं करने पड़ेंगे, बाहर तो कौन नहीं जाना चाहता। सो यार, तो चीज़ ये है कि अभी तो उठी हूँ मैं बहुत लेट उठी हूँ और तैयार इसलिए हूँ क्योंकि हमने ना ऐसे फ़ौरन पर निकलना, बहुत लेट उठी हूँ, रात को हम मूवी देख रहे थे और बहुत लेट हो गया, तो या मैंने जो रूटीन ठीक की थी वो फिर से ख़राब हो गई है। तो खैर अभी उठी हूँ मैं, जल्दी से नाश्ता करते हैं, मतलब शाम का खाना एक किस्म का लिखे मेरा नाश्ता है, और फिर हाँ फिर अबाया वगैरह पहनते हैं और फिर चलते हैं और देखते हैं कि मम्मा ने मुझे कहाँ लेके जाना है, क्या क्या काम है। बस ये पता उनके काम है, लेकिन ये नहीं पता कि मुझे कहाँ घुमाएंगे। सो या लेट्स गो। ओके गाइस, ये रहा मेरा टोस्ट जो मैं बना के लाई हूँ, अपना सैंडविच, और साथ में मेरा ये रहा जूस। जूस के बगैर तो मैं अपना नाश्ता करती नहीं हूँ, नाश्ता या शाम का खाना जो मर्जी बने, तो चलें अब इसको खाते हैं फिर मिलते हैं। ओके गाइस, तो नाश्ता वगैरह करके, मतलब खाना जो भी होता है मेरा शाम के टाइम का, अब करके मैं अबाया पहन के तैयार हूँ के खड़ी हूँ। मम्मा आप जल्दी कर लो, कब से मुझे डांट रही थी, वॉशरूम भी ना जाए। मामा आपको कैसा लग रहा है कि मैं आज सारा दिन आपके साथ गुजारूंगी? सारे काम बोलो कि 4 घंटे सिर्फ बाहर के, बाहर के सारा टाइम हम आके मूवी देख रहे थे और आज हमने फिर देखनी है। मैं जो रूटीन ठीक कितना आई हूँ खराब हुई गई हूँ, पर कोई नहीं होगी। और रात को भी मैं व्लॉग भी एडिट कर रहा था, मैं व्लॉग अभी क्यों आने वाला जो डाला है वो एडिट करते करते और सुबह के 10 बज गए थे सोते हुए, तो 4-5-6 बजे उठना तो भी बनता है ना बंदे की, नींद तो पूरी हो। तो खैर अब मामा जल्दी से तैयार हुए, गाड़ी मंगवाते हैं, निकलते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कब हटेगा, ये तब हटेगा जब किसी और की बर्थडे आएगी और यहाँ पे डेकोरेशन चेंज होगी, या जब इनके अंदर की हवा निकलेगी, जब ऐसे चलता है ना इसकी हवा निकल जाती है और फिर अपने आप आ जाती है, तो ये तब हटेगा। बाकी वो भी फट गए और इधर दो साइड वाले भी फट गए, बस ये दो रह गए और मेरा 1K। तो हम लोग अब निकल रहे हैं, हमेशा एक जगह पर आके यही था कि हम निकल गए। तो मरियम हमारे साथ निकल जा रही है, उसके पेपर्स हैं तो वो बैठ के अपने पेपर्स की तैयारी कर रही है। महर को ऑलरेडी अपनी फ्रेंड के साथ गए हुए हैं, तो इट्स ओनली मी एंड मामा जो रहेंगे। और सबसे पहला काम हमने करना है इसको रिटर्न, ये कल हम मामा के लिए कपड़े लेकर आए थे जो उनको पसंद नहीं आए, मुझे पता था पसंद नहीं आने हैं, तो क्या अभी हमने इसको रिटर्न करना है, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। पहले कि हम लोग अपने फर्स्ट स्टॉप पर चल जा रहे हैं। हम लोग पहुंच गए हैं, अभी हम लोग सड़क क्रॉस कर रहे हैं, अब मैं सड़क क्रॉस करते हुए ब्लॉग बना रही हूँ। है तो हम लोग अपनी फर्स्ट स्टॉप पे पहुंच गए हैं। जाओ मामा जाके अपना काम करो, ये वापस करवाओ, मामा ये पकड़ो वापस करवाओ, अपना काम करो। मैंने था नहीं, था तो आप लेके आए तो वापस तो आपने करवाना है ना। चलो खैर अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं, अब चीज़ वीजा करते हैं और साथ में ब्लॉग रिकॉर्ड करते हैं। ओके गाइस, तो मैंने मामा का काम करवा दिया मैंने आपका काम, ठीक है ना? मैंने खुद करवाया, मैंने करवाया, सारी बात मैंने की है, ठीक है। तो हमने करवाया, 2 महीने का काम था वो हो गया। अब हम लोग अपने ये नेक्स्ट स्टॉप के लिए यहाँ पे कैब करवा रहे हैं, वहाँ पे मामा ने अब शॉपिंग, यहाँ से वापस करके वहाँ शॉपिंग कर लेते हैं। अब क्या बनता है क्या लेती है, मेरा मुझे लग रहा है कोई इरादा नहीं कुछ लेने का, बस ऐसे ही लगी हुई है। गाइस हमने नेक्स्ट स्टॉप पे, और ये वाला ब्रांच उन्होंने काफ़ी प्रोफेशनल टाइप बनाई हुई है, और जो लोग यहाँ रहते हैं उनको पता होगा फिर का और इसके क्या सीन होते सारा, तो ये वाली ब्रांच काफ़ी अच्छी बनी हुई है बाकी। गाइस मामा अपनी खाली ट्रॉली लेके खड़ी है, आपने कुछ लिया क्यों नहीं अभी तक? यार आपने इसमें से कौन सा लेना, फुटबॉल लेना है कि यार है तो सारे ही प्यारे, बट इन दोनों में से चूज करो। यार सब भी अच्छे हैं, इन दोनों में से करो या वो वाला पर्पल चूज करो, बिकॉज मामा नोज के पर्पल मेरा फेवरेट कलर है। नहीं पर्पल, पिंक वाला पर्पल ले लो, ये पर्पल नहीं वो पर्पल, ये थोड़ा डार्क है तो वो वाला ले लो, वो वाला ले लो, ये वाला। हाँ देखो मामा कद लंबा है मेरा छोटा, तो मेरा हाथ ऊपर जाएगा ही नहीं, इसमें स्ट्रॉ नहीं मामा, स्ट्रॉ ही है ना, पर्पल स्ट्रॉ, पर्पल कप, दैट्स माय न्यू कप। अब आपको अच्छा मैं चेंज करती हूँ, अब आपको मेरे ब्लॉग में ना ये वाला कप देखे आपको मिलेगा, फिर मैं जूस वगैरह पीऊँगी, या ये वाला ले लेते हैं फिर। ये लो, ये लो, ये वाला
प्यार लगेगा। मम्मा की खाली ट्रॉली में एक कप जा रहा है, रखो। अपनी शॉपिंग तो करो ना, आपने शॉपिंग करनी भी है कि नहीं? पहले आप अपनी तो कर लो, फिर मैं अपनी। मैंने नहीं करनी, आपने ही करनी है। तो मेरे पे ना इल्जाम लगाओ। चक्कर इतने प्यारे लगे हुए, इतने कलर ऑर्गेनाइज्ड है ना यहाँ पे, मतलब ये भी चक्कर ये भी सारा कलर ऑर्गेनाइज्ड है। क्या किसके लिए? किसके लिए? मैं वो सोच रही हूं कि 6 कप पूरे कर दूं। मामा प्लीज नो। अच्छा है ना? नो नो, आपको इससे अच्छा मामा ये वाले सारे ले लो, एक एक कलर में इतने प्यारे लग रहे हैं। मेरी तो सुननी नहीं है, फिर मुझे लेके क्यों आई है? ब्लू स्टाइल होना चाहिए। हाँ ये फिर अच्छा है, उससे ये वाला फिर अच्छा है। ये लेना, ये ले लो, ये ले लो। देखो ये भी है, सिंपल है लेकिन ये भी। मामा जब आपको पता है कि मैं मशवरे देने में बहुत बुरी हूँ, तो अपनी मर्जी से उठा लो बस। देखो नहीं, अब ये भी ना उठाओ, वो वाला फिर ठीक है, वो ठीक है, वो उठा लो, ये रहने दो। नहीं मैं लूंगी तो मैं 6 कप्स लूंगी, मैं 1 कप ही है ना मैंने। हाँ तो ये वाले ले लो 6, लेकिन ये वाले या वो वाले 6 ना सोचो, ये वाला फिर प्यारे लग रहे हैं। कप तो वैसे सारे ही अच्छे हैं, इंशाल्लाह खुद ही चूज कर लूंगी। अभी नहीं ले रही, जा रही हूँ मैं, अभी नहीं ले रही। मामा ये वाला ग्लास ले लेते हैं, ये महक की बर्थडे आ रही ना, उसको गिफ्ट कर देते हैं। आप ले लो, मैं नहीं ले सकती। महक को गिफ्ट कर दें भाई ये ग्लास बारबी। मैंने कहा मैंने इसके बर्थडे का गिफ्ट। महक या मरियम डिसाइड करो, दोनों की बर्थडे आ रही है अगले महीने। या ये वाला, मैं तो ये गलत पसंद कर रही हूं। मामा बाकी में सीरियस हो गई, वापस रखो, उसने नहीं लेना ऐसा कुछ। मत बदतमीज हो, वापस रखो जी। या ये मिकी माउस वाला ले लो। मामा इतनी भी बच्चियां नहीं है, वो बड़ी हो गई है। चलो चलो अपने घर के ग्लास देखो, अपने घर के ग्लास देखो, ये वाले देख लो। या वो जैसे पार्टी वाले ग्लासेस होते हैं ना, वाइन वाले, वो वाले देख लो। मामा ये ठीक है ना, देखो सिंपल सिंपल से। पसंद नहीं आ रही, अच्छे नहीं है। देखा मैंने कहा था ना, मामा ने बिना कुछ लिए ऐसे चले जाना, कुछ नहीं। देखो देखो मामा की अभी तक ट्रॉली में से एक वो बोतल पड़ी, वो भी जो मैंने लिया। कुछ लेना है आपने खुद? या मैंने लेना है, लेकिन यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं, मुझे पसंद नहीं आ रहा। मामा इतनी छोटी वाइन नहीं होती है, कावा के ग्लासेस है, कावा के। छोड़ दो, मुश्किल से 3 चीजें आई हैं और अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, इनके नीचे का भी सारा देख लें। ऊपर जा रहे हैं, ऊपर क्या करने जा रही हूँ आप? ऊपर मैंने अपने लिए ड्रेसेस देखे। हाँ वहाँ पे ड्रेसेस वापस करवा के रहेंगे, यहाँ पे जाके ड्रेसेस देखेंगे। और क्या, जो आप लोग लेकर आए थे मुझे पसंद नहीं। हाँ मुझे पता था आपको पसंद नहीं आएंगे, इसलिए मैंने आपको कहा था खुद जाके देख लो, आप आई नहीं है। तो कल मेरी तबियत नहीं सही थी, अब जब वापस करने के आई हैं तो फिर ठीक है। हाँ तो सही है ना। चलो मम्मा ये तो गिफ्ट सेक्शन है, गिफ्ट में कहाँ जा रही हो आप? कपड़ों में जाओ। मम्मा पूरा घूम के कपड़ों के ले जा रही हूँ, ठीक है? रुक जाती है कि इनको कुछ ना कुछ दिख ही जाता है कि ये लेना है मैंने। ये नहीं यार, वो खाली डिब्बियाँ मैंने आपको बोला। क्या वो वहाँ पे होंगे ना बॉक्सेस? चलो यहाँ पहले यहीं से चलो, वहाँ से नीचे उतरेंगे। चलो यहीं पर देख लो पापा ने बॉक्सेस से देखे, ये हमें लगा। हाँ ये यहाँ पे लगा हुआ मिला, और माशाल्लाह से इसके अंदर कुरान, ये कुरान है इतना प्यारा, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत प्यारे बने हुए हैं ये। पीछे करो, ये सारे पड़े हुए हैं, सूरह अल बकर, डिफरेंट सूरतों के वाइस में ये पड़े हुए हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। लेके गए तो रब फुल कॉफ़ी लेकर आए, और ऊपर से ही देखे इट्स द सेम, इतना प्यारा लग रहा है ये, बहुत ऑर्गेनाइज्ड बनाया हुआ है इन्होंने। तो गाइज घंटों पर शॉपिंग करके करके फाइनली हम लोग नीचे आ गए नीचे, और हम लोग जो है ना स्टेशनरी साइड पे आए। मरियम की मम्मा को है कि मरियम के लिए कुछ लेना, उसके स्कूल के लिए ये सारी नोटबुक्स लगी हुई हैं, और ये सारे रैप्स वगैरह, और वहाँ पे हाँ यहाँ पे बाकी ये पेन वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। तब मम्मा मरियम के लिए देख लिए कि कुछ उसके लाइक मिल गया तो ले लेंगे, जैसे कि मम्मा ने अब ये पसंद कर ली। हाँ पॉपी है। हाँ मरियम के लिए। हाँ ये बिल्कुल डायरी के तौर पर देखा, मैंने कहा था मम्मा कुछ ना कुछ उसके लिए ढूंढ ही रही होंगी। नाइस, बस इसका मज़ा ना ये है, बस ये इसका मज़ा है। उसकी वजह से ढूंढ लेने लगी हो आप? अगर उसने मेरा ब्लॉग देखा तो उसको तो पता चल जाएगा, फिर कोई और ले लो, ये वाला तो उसको पता चल गया, अब कोई और। मामा आप दोनों दिखाना चाह रही हैं, उसको पता चल जाएगा, उसे मेरा व्लॉग देखा तो। फाइनली मैं अपने मतलब के सेक्शन में आ गई हूँ, यहाँ पे सारी चिज्जी शिज्जी लगी हुई है, वो भी चॉकलेट के डिब्बे शिब्बे। ये वाला था ना मेरा मतलब के, इसमें थोड़ा अम्मा का खर्चा करवाने वाली है, देखती हूँ मुझे कुछ पसंद आता है। यहाँ पे अपनी पसंद की चॉकलेट वगैरह मिलती हैं, तो मैं मम्मा का खर्चा करवाती हूँ। ये रहे मेरे फेवरेट चिप्स, एक तो पहले ये उठाती हूँ ना, यहाँ से कोई दूसरा पसंद करती हूँ अपने रात के स्नैक्स के लिए। एक तो ये तो डन है, ये तो मेरा फेवरेट है, उसके अलावा
ओके अनदर फेवरेट मैं बचपन में बहुत खाती थी, ये भी मिल गया मुझे। बस ये तो जाके मामा के पास रखती। ये लो मामा, ये बस मेरा इतना सा सामान है। नहीं नहीं बस इतना सा ही खर्चा करवाना मैंने आपका। इतना ज़्यादा खर्चा करवा के भी आप कहते हैं इतना कोई खर्चा। चलो चलो अब बस फाइनल स्टॉप में जाके चाहती है कि मैं यहां पर नीचे भी होश होते गिर जाऊं। नहीं नहीं अब बस फाइनल स्टॉप कर सकती हूं, तबीयत खराब हो गई है। चल ओके ये सामान अब अंदर जा रहा है। ओके गाइस तो हम लोग आ चुके हैं घर और अब वक्त होता है ये व्लॉग बंद करने का। तो मामा कैसा लगा आपको मेरे साथ सर टाइम स्पेंड करके? बहुत अच्छा लगा, फजूल किस्म का मुझे खराब। आप वो इतनी बड़ी मार्केट थी, अब कभी इधर जाने के बजाय मैं उनको कह भी रही हूँ आपने डायरेक्ट कपड़ों के अंदर जाना है, जाओ मामा जा ही नहीं रही थी। मेरी गलती थोड़ी, कभी कहीं खड़ी कभी कहीं खड़ी हो जाती है, नॉट माई फॉल्ट। सीधी सी बात है गाइस, इसे मुझे कुछ लेने ही नहीं दिया, ये अपनी चीजें देखती रही है और मुझे ऐसे कुछ लेने। आप सब गवाओ कि मैंने सिर्फ दो चिप्स। नो मामा नो मामा, बस यही था इसका नो मामा। ये क्या कहती हूँ यू गाइस नो कि मैंने सिर्फ दो चिप्स लिए हैं और कुछ नहीं लिया, बाकी मैं इनको फजूल खर्ची करने से रोक रही थी। ठीक है और बस नो मामा। Yes. अब आप मुझे और ऐसे दिनों में साथ लेके जाओगी? हाँ इंशाल्लाह, अगर आप मुझे तंग नहीं करोगे तो। ओके गाइस सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू लाइक दिस वीडियो, मरियम हमने भी जाना शवरमा लेने। ओके तो हम और कुछ नहीं रिकॉर्ड करेंगे। सो या दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।